الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صلوات محمد हज़रत बारी ताला का इरशाद हो रहा है कुरान मजीद में कि जरूर भी जरूर हतमन हतमन हम तुम लोगों को आजमाएंगे कभी खौफ के जरिए से कभी जू और भूख के जरिए से कभी माल की किल्लत से कमी से कभी नफ्सों के जरिए से और कभी समरात के जरिए से यानी औलाद के जरिए से बशर सादरीन आप उन सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए कि जब मुसीबत उन पर पड़ती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हम सब अल्लाह के हैं और उसी अल्लाह की तरफ पलट के जाने वाले हैं। अगर ऐसा कोई साबिर आपको दिखाई देता है तो आप उनको बशारत दे दीजिए किस बात की कि उलाइका अलैहिम सलावातुन मिन रब्बिहिम व रहमा ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से सलावात नाजिल होती है और अल्लाह की तरफ से रहमत नाज़िल होती है वह उलाइका हुमुल मुहतदून और यही वो लोग हैं कि जो हिदायत याफ्ता हैं जिनकी हिदायत हो चुकी है। कल गुफ्तगू हुई खौफ के सिलसिले में कि अल्लाह आजमाता है इंसान को खौफ के जरिए से और सारी गुफ्तगू का खुलासा यह था कि जिसके दिल में खौफ इलाही है फिर दुनिया उससे डरती है वो किसी से नहीं डरता। मरहूम इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह रिज़वानुल्लाह अलैह के लिए कहते हैं खुद उन्होंने तकरीर की फैजिया में जब वो छूट करके आए पहली मरतबा तो फैजिया में उन्होंने तकरीर की। आप अगर गए हैं ज़ियारत पर तो कुम से जब तेहरान के लिए चलिए तो थोड़े से फासले के बाद एक रास्ता टर्न होता है दाहिनी तरफ अलियाबाद की तरफ वहां मीठा पानी है कुम का पानी तो ऐसा नहीं वहीं से आता है पानी जो है अलियाबाद से कहने लगे जब हमको ये सावाक वाले पुलिस वाले गिरफ्तार करके लेके चले तो सीधे तेहरान के रास्ते के बजाय धीरे से उधर घूम गए इंटीरियर की तरफ जो है वो अलियाबाद की तरफ जंगलात में। कहने लगे मुझको अब एहसास होने लगा कि आज ये काउंटर करना चाहते हैं आज ये मेरा किस्सा तमाम करना चाहते हैं। उसके बाद मिंबर से उस बंदे खुदा ने कहा कि तुम लोग क्या समझते हो कि तुम्हारा खुमैनी डर गया। मिंबर से उस मर्द मुजाहिद ने कसम खाई और भी अल्लाह की और अल्लाह की कसम के लिए बहुत सख्ती है। आम कसमें तो आदमी खा लेता है लेकिन अल्लाह के लिए बहुत अहम मैटर जहां होगा वहां खुदा की कसम खाई जाती है मना किया गया। उस मौके में मिंबर से उस इंसान ने कसम खाई तुम क्या समझते तलबा चूंकि थे सारे फैजिया के तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा खुमैनी डर गया। अब जो जुमला है उनका वही है वल्लाह में तरसीदा खुदा की कसम मैं नहीं डर रहा था। जो अरेस्ट करके ले जा रहे थे अनहा मीतर सीधन व मन पे अनहा दिलदारी मीता था वो पुलिस वाले वो सावाकी घबरा रहे थे और मैं उनको समझा रहा था काहे को डर रहे हैं। तो वजह क्या है वजह वही है जैसा कि अमीरुल मोमिनीन ने भी कहा है नहजुल बलागा में अज़मुल खालिक़ फी आयुनिहिम फसबरु मा दूनहु इनकी नजर में अल्लाह बड़ा होता है तो नतीजा यह है कि जब अल्लाह बड़ा है तो अल्लाह के अलावा सब छोटे हैं। तो असल चीज यह है कि अल्लाह हमको खौफ में डालता है दहशत हम पर तारी होती है ये जांचा जाए कि
कि कितना जो है वो ये इंसान दुनियावी मामलात से खौफजदा होता है और कितना इसका एतमाद अल्लाह के ऊपर है। और जाहिर सी बात है कि जिसका एतमाद जितना खुदा पर बढ़ता जाएगा उतना जो है वो दुनिया से जो है वो उसका खौफ कम होता जाएगा। जो जितना अल्लाह की इबादत करेगा, मन अबदल्लाह अबदल्लाह कुल्ल शय, कल की रिवायत अगर आपको याद हो कि जो अल्लाह का बंदा बन जाता है अल्लाह उसको सबको उसका गुलाम बना देता है। अगर अब्द के माने के उसमें बंदे के माने ले लिया जाए, गुलाम के माना में ले लिया जाए, जो अल्लाह से डरता है सारी कायनात उससे डरती है, और जो खुदा से नहीं डरता सारी दुनिया से डरता है। तो एक इम्तिहान यह है कि जब हमारे ऊपर कुछ ऐसे हालात आए, और आजकल ये हालात हैं, हम शायद उस इम्तिहान में दाखिल हो गए हैं कि जहां सारी दुनिया हमको डराने पर लगी हुई है, और अब हमारा इम्तिहान यह है कि हम दुनिया से डरते हैं कि अल्लाह से डरते हैं। और अगर खुदा से खौफ है तो फिर दुनिया एक तरफ है और अल्लाह तबारक व तआला एक तरफ है। तो एक इम्तिहान तो यह हुआ खौफ की बुनियाद पर। दूसरा इम्तिहान आज अखलाकी पहलू जिसका यह है, वल जो भूख के जरिए से। अलबत्ता ये वाला फिक्रा और बाद वाला फिक्रा मिलता जुलता है, लेकिन दोनों का इनवान अलग अलग है, तो इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। वल जो व नक्स मिन अल अमवाल, दोनों मुर्तबित हैं। तुम्हारा इम्तिहान लेंगे हम कभी भूख के जरिए से, व नक्स मिन अल अमवाल, कभी जो है वो माल की कमी की वजह से। तो अब ये जो है वो माल की कमी मुमकिन है इंसान को और परेशानी में मुब्तला करे, लेकिन हो सकता है कि आदमी के पास इतना हो कि वो अपना पेट भर सकता है। लेकिन एक मंजिल गुर्बत की वो आ जाती है कि जहां इंसान जो है वो पेट भर के खा भी नहीं सकता, तो ये नक्स अमवाल और माल की कमी से ज्यादा शदीद मसला है। यानी बंदे मोमिन इस मंजिल पर इम्तिहान के पहुंच जाता है कि जहां वो एक रात की रोटी के लिए भी मोहताज हो सकता है, या मुमकिन है कि के पास रोटी हो मगर सामने यह कोई दूसरा बंदा आ जाए। और अब तुम्हारा इम्तिहान यह है कि तुम अपनी भूख को फौकियत देते हो या दूसरे मर्द मोमिन की भूख को फौकियत देते हो। जाहिर सी बात है कि इसमें हम जो है वो अहले बैत के अलावा हमारे सामने उतनी जबरदस्त मिसाल नहीं मिल सकती है कि जहां इस कदर भूख से जो है वो आदमी को रोजा है, मुश्किल तमाम जो है पांच रोटियां तैयार हुई हैं, तब जाहिर सी बात है कि दिन भर के रोजे के बाद भूख होगी कि नहीं होगी। और अब जैसे ही इफ्तार का वक्त आता है आकर के आदमी पुकार देता है कि साहब मैं भूखा हूं, नहीं है कि बड़े लोग बल्कि घर के बच्चे भी अपनी रोटियां उठा देते हैं, एक भूख हुई, उससे ज्यादा शदीद भूख दूसरे रोजे के बाद होगी कि नहीं होगी। दूसरे रोजे के बाद भी भूख हुई, और उस वक्त जैसे ही जो है वो इंसान चाहता है जो अहले बैत के पांचों अफराद के हम रोटी खाएं, इतने में फिर आवाज आ जाती है कि साहब हम असीर हैं, वो भी सामने दी जाती है, हम मिस्कीन हैं, वो भी सामने दी जाती है। यानी तीन दिन तक इंसान अपनी भूख को बर्दाश्त करता है दूसरे की भूख के मुकाबले में। कुरान मजीद ये कहता है कि ये इम्तिहान होगा। मैंने अर्ज किया कि हर इंसान का इम्तिहान का नुस्खा एक नहीं है, सबका इम्तिहान उसकी औकात के एतबार से होता है, उसकी शख्सियत के एतबार से होता है। मुमकिन है कि हम भी इसमें शामिल हों, अगरचे अहले बैत के तर्ज पर न सही, लेकिन इब्तदाई मरहले में यह तो है कि हमारे पास दो रोटी है, चाहे हम खा ले या किसी फकीर को दे दें, ये इस इम्तिहान से हम गुजर सकते हैं। और अगर इस इम्तिहान से हम गुजर जाए तो कहां पहुंचेंगे, वो आ रहे सलावात पर मोहम्मद। और बल्कि हमने तो ये भी देखा है तारीख में कि अपने पास है मगर अपने ऊपर दूसरे को फौकियत देते हैं। ये भी आयत जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई है कि युज़िरूना अला अनफुसिहिम, ये ईसार करते हैं अपने नफ्स के ऊपर, वलौ काना बिहिम खसासा, चाहे ये चीज इनके लिए मखसूस क्यों ना कर दी गई हो। एक फकीर आता है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, शायद शान नुज़ूल के सिलसिले में जो वाकया बयान किया जाता है कि यह आयत कब नाज़िल हुई, युज़िरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये अपने ऊपर दूसरे को तरजीह देते हैं चाहे वो चीज उनके लिए मुख्तस क्यों ना हो। कहते हैं कि पैगंबर के पास एक शख्स आया और कहता या रसूल अल्लाह इन्नी जाया, मैं भूखा हूं। जा रजुल इला नबी फशका इलैहि अलजू, एक शख्स आया पैगंबर की बारगाह में और उसने आके पैगंबर से जुड़ की शिकायत की, भूख की शिकायत की। फबअथ रसूलुल्लाह इला बुयूत अज़वाज, पैगंबर ने पहले अपने घर भेजा अपने अज़वाज की तरफ कि जाओ भाई देखो वहां कुछ मिल जाता हो तो इस बंदे खुदा की भूख मिटा दो। फकुलना मा इंदना इल्ला अल्मा, पैगंबर का हाल यह था कि उनके घर में भी कुछ खाने को नहीं था, अजवाज का यह जवाब यह था कि मा इंदना इल्ल मा, हमारे पास पानी के अलावा और कुछ नहीं है। फकाला रसूलुल्लाह
अब जब ये जवाब आ गया अजवाज की तरफ से, हमारे यहां तो कुछ है ही नहीं खाने पीने को, हम क्या करें, हम कहां से इस बंदे खुदा की जो है भूख को जो है दूर कर सकते हैं। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लिहादर रजुल, कौन है भाई जो इस मर्द मोमिन की, इस इंसान की, इस रजुल की फरियाद को पहुंच सकता है। फकाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ऐसे मौके के ऊपर सिवाय अमीर उल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के आपको और कोई नहीं मिलेगा कि जो अपने घर में फाका हो रहा हो उसके बावजूद दूसरों के जो है वो मदद के लिए तैयार हो। पैगंबर ने फरमाया मन लिहादर रजुल, कौन है जो इसकी जो है वो दस्तगीरी कर सकता है। फकाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अना या रसूल अल्लाह, मौला सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं, वो अता फातिमा, ये कह करके मौलाए कायनात उस मर्द मोमिन को लेकर के आए घर हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास। फ़क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने पूछा मा इंदकी यबनत रसूलिल्लाह, ए बिनते फातिमा है कुछ आपके पास, है आपके पास कुछ खाने को। फ़क़ालत, शहजादी का जवाब था मा इंदना इल्ला क़ुतु सबिय्या, हमारे पास कुछ नहीं है, एक बच्चे की गिज़ा है फकत, चाहे हसन खा ले, चाहे हुसैन खा ले, चाहे ज़ैनब खा ले, चाहे उम्मे कुलसूम खा ले। वाकई खुदा तेरा लाख एहसान, बहुत मैं कहता हूं अपनी मजलिसों में इस जुमले को, कहां हम लोग और कहां इतने बड़े लोग, ये मामूली एहसान और कर्म उस महबूद का नहीं है कि उसने इसे घर कुनबे और खानदान में पैदा कर दिया, कि इश्क अहले बैत अलैहिस्सलाम नसीब हो गया। फातिमा तुम्हारे पास कुछ है, फरमाया मा इंदना इल्ला क़ुतु सबिय्या, सिवाय एक बच्चे की गिज़ा के, ये बच्ची के लिए जाके, और हमारे पास कुछ नहीं है। वलाकिन्ना नुअसिरु दैफना, मगर हम मेहमान को अपने ऊपर मुकद्दम करेंगे। मौलाए कायनात ने जानते क्या फरमाया, फरमाया ज़हरा चराग बुझा दो, बच्चे को सुला दो। अपने बच्चे को फाके से सुला दिया गया, चिराग गुल कर दिया गया। बाज रिवायतें यहां तक कहती हैं कि चिराग ठीक करने के बहाने से अमीरुल मोमिनीन ने जो है उसको गुल किया और साथ साथ खा रहे ताकि मेहमान ये ना समझे कि ये नहीं खा रहे, मुंह इस तरह चला रहे हैं कि मेहमान को ये समझ में आए कि ये भी खा रहे हैं, और उसके बाद अपना खाना दूसरे के ऊपर। मौला कायनात ने उस इंसान को जो भूखा था, जो जायर था, उसको खिला दिया और खुद फाके से पूरा घराना, पूरा कुनबा, मैं हसन हुसैन हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के सो गए। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ, हम तुमको आजमाएंगे भूख के जरिए से कि तुम्हारे पास जो है वो खाना मौजूद है, भूख भी मौजूद है, और सामने कोई दूसरा बंदे मोमिन आ जाता है तो तुम अपने मुकाबले में उस पर कितना इशार कर सकते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी रिवायत इस तरह की मिलती है कि पूरी जिंदगी में पैगंबर अकरम के कोई ऐसा जमाना नहीं आया कि जिसमें 3 दिन लगातार पैगंबर ने पेट भर के खाया। कहते मा शबअ रसूलुल्लाह सलासा अय्याम मुतवालिया, पैगंबर ने लगातार 3 दिन पेट भर के कुछ नहीं खाया। हत्ता फारकत दुनिया, यहां तक के हजरत की वफात हो गई, इस दुनिया से चले गए। उसके बाद जो जुमला ऐसा नहीं कि पैगंबर के पास था नहीं, देखिए एक है मजबूर है, ऐसा नहीं कि रसूलुल्लाह के पास था नहीं और वो मजबूर थे नहीं खाते थे। रिवायत ये कहती है कि मा शबअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासत अय्याम मुतवालिया, पैगंबर ने 3 दिन लगातार मुतवाली मुसलसल भर पेट खाना नहीं खाया। वलौ शाअ लशबअ, अगर चाहते तो पेट भर के खा सकते थे। वलाकिन्नहु युअसिरु अला नफ्सिह, मगर पैगंबर का मिजाज यह था कि वह हमेशा अपने ऊपर दूसरों को मुकद्दम करते थे। रिवायत यहां तक कहती है उस माह मुबारक रमजान के कि जिस साल मौला अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह की शहादत हुई, उस पूरे रमजान तो किसी दिन अमीरुल मोमिनीन ने बाकायदा खाना खाया ही नहीं। और वो मशहूर है कि जब बेटी लेकर के आती है तो जवाब क्या दिया है मौला कायनात ने। अब मसला यह है कि यह इम्तिहान की मंजिल दोनों के लिए हो सकती है। अब यहां से जो गुजारिश मैं शुरू कर रहा हूं कि हो सकता है कुरान मजीद जो कह रहा है कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे खौफ के जरिए और भूख के जरिए, तो अब भूख एक आदमी को है और सामने एक आदमी ऐसा है जिसके पास मौजूद है, तो कोई जरूरी नहीं है कि भूख से सिर्फ उस भूखे का इम्तिहान हो सकता है कि भूख दूसरे की हो, इम्तिहान हमारा हो। यह नहीं मुमकिन है कि तुम कितना इशार कर सकते हो। चुनांचे पैगंबर फरमाते हैं या अबादर, एक चीज ये कि आदमी
रिवायत में आपकी खिदमत में नकल करूं जो शियों के लिए छठे इमाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। ये इम्तिहान कई तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि हमारे पास नहीं है, हम भूखे हैं। ये दूसरा आदमी जिसके पास है और वो हमारी भूख को दूर कर सकता है, तो मुमकिन है कि इस इम्तिहान मेरे लिए भी हो, मुमकिन है इनके लिए भी हो। इनके लिए इम्तिहान यह है कि तुमको पता था कि तुम्हारा पड़ोसी फाके से है, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की। इसके लिए इम्तिहान यह है कि तुम्हारे ऊपर फाका आया, तुमने आबरूरेजी तो नहीं की, तुमने हाथ तो नहीं फैलाया, तुमने अपनी इज्जत तो नहीं बेच दी। इसलिए कि मोमिन की इज्जत सब रिवायत कहती है कि अल्लाह ने, एक बड़ा मसला हमारे यहां आता है जो है वो शिया फिक्र में, कि आया बंदा मजबूर है कि मुख्तार। ये सवाल है और पुराना सवाल यह है कि बंदा मजबूर है कि मुख्तार। शियों का नजरिया यह है कि बंदा न मजबूर है न मुख्तार है, दरमियान है। और इसकी मिसाल छठे इमाम ने बड़ी लतीफ दी थी, जब एक शख्स ने आकर के पूछा कि मौला बंदा मजबूर है कि मुख्तार है, तो मौला ने फरमाया एक पैर उठाओ अपना। उसने उठा लिया, कहा दूसरा उठाओ। उसने कहा मौला गिर जाएंगे, कहा बस इतना ही मजबूर है इतना ही मुख्तार है, न मुकम्मल मजबूर है न मुकम्मल मुख्तार है। तो किसी हद तक बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे शिया फिरके के एतबार से बंदे को अल्लाह ने मुख्तार खल्क किया। और अगर मुख्तार न बनाया होता तो फिर नमाज न पढ़ने की सजा क्या है, फिर रोजा न रखने की सजा क्या है, फिर गुनाह आपने हमको मजबूर बनाया है। इस पर बड़ा लतीफा है सलवात मोहम्मद। साहब जो लोग ये कहते हैं कि साहब बंदा मजबूर है, बगैर उसकी मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता, बेशक, लेकिन बंदा अपने अमल में मजबूर है या मुख्तार, तो बास का नजरिया यह है कि नहीं साहब एक कदम भी आप आगे बढ़ नहीं सकते सिवाय उसकी मर्जी के, बंदा बिल्कुल मजबूर है। तो अजीज मन अगर मजबूर है तो फिर नमाज पढ़ी तो मजबूरी है, रोजा रखा तो मजबूरी है, कार्य खैर किया तो मजबूरी है। एक चोर दाखिल हो गया किसी के बाग में और उसने वहां जो है वो फल तोड़ करके खाना शुरू किया। वो बेचारा मालिक आ गया, उसने क्या कर रहे हो, कहा बंदा मजबूर है, अल्लाह की मर्जी थी कि मैं तुम्हारे जो है वो बाग से फल तोड़ करके खाऊं, मैं खा रहा हूं। उन्होंने ठीक, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिस्मिल्लाह। उसके बाद रस्सी वस्सी ला करके उनको बांध के उसने पिटाई शुरू की। कहा तुम ये क्या कर रहे हो, कहा बंदा मजबूर है, फिर अल्लाह चाह रहा है कि मैं तुम्हारी पिटाई करूं। तो मसला यह है कि इंसान मुख्तार है, अब इख्तियार की हदें वो एक अलग मौजू है, वो एक अलग दर्स की जगह है कि किस हद तक बंदा मुख्तार है, किस हद तक बंदा मजबूर है। एक हमने जो है वो मुजमल तरीके से इमाम का आपका नजरिया बता दिया आपको अहले बैत का, कि न मुकम्मल मुख्तार है न मुकम्मल मजबूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को इख्तियार दिया। अब जो रिवायत सुना रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को मुख्तार बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है हर चीज का, रिवायत जो कहती है, मगर उसने बंदे को यह इख्तियार नहीं दिया है कि वो अपने आप को किसी के सामने जलील करे। यह अजीब है। चुनांचे छठे इमाम फरमाते हैं कि हमारे शियों की अलामत यह है कि हमारा शिया किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, वो लो मत जुआन, चाहे वो फाके से मर क्यों न जाए। अलबत्त इस हदीस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। क्या वाकई एक तरफ आप कहते हैं कि जान बचाना वाजिब है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि साहब जान मर भी जाएगा भूख से तब भी जो है वो शिया हमारा हाथ नहीं फैलाएगा, हमारे शिया की अलामत है। लेकिन मुजमल तरीके से यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन को अपने को जलील करने का इख्तियार नहीं दिया है। चुनांचे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह मांगना भी, किसी के सामने हाथ फैलाना भी, यह भी तो इस एक तरीके की जिल्लत है ना, यह भी तो अपने को एक तरीके का रुसवा करना है। मोमिन हो तो फाके से सो जाओ मगर हाथ मत फैलाओ, अपने आप को जलील मत करो, अपने आप को रुसवा मत करो। चुनांचे हजरत ने फरमाया अबू जर सलामुल्लाह अलैह से, या अबा जर इय्याका वस्सुआल, अबू जर खबरदार बचो, परहेज करो सुआल से, किसी के आगे हाथ फैलाने से। क्यों, فَإِنَّهُ ذُلٌّ حَاضِرٌ وَفَقْرٌ تَتَعَجَّلُ فِيهِ, इसलिए कि इस दुनिया में सवाल करना इस दुनिया में जिल्लत का सबब है। وَحِسَابٌ طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, और कयामत में अच्छा खासा तुमको इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा बारगाह इलाही में कि हमने तुमको ईमान के साथ, इसलिए कुरान कहता है ना इज्जत किसके लिए है, खुदा के लिए, इज्जत किसके लिए है, रसूल के लिए, इज्जत किसके लिए है,
والمؤمنين اور مؤمنین کے لیے تو اللہ نے تم کو عزت دار بنایا تھا تم نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے اپنے آپ کو ذلیل کیوں کیا تو دو مصیبت ہے ابو ذر ایاک والسؤال اے ابو ذر خبردار کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا اس لیے کہ کسی سے مانگنا طلب کرنا ہاتھ پھیلانا دنیا میں ذلت ہے اور قیامت میں طول حساب کا سبب ہے پیغمبر فرماتے ہیں ایک چیز کا اگر ہم سے تم وعدہ کر لو نا تو ہم تم سے جنت کا وعدہ کر لیں گے عجیب صلوات در محمد اللہ کہاں لے جانا چاہتا ہے دین ہم کو کتنا باعزت بنانا چاہتا ہے مذہب پیغمبر فرماتے ہیں کہ من یتکفل لی اللہ یسأل الناس جو ہم سے وعدہ کر لے کہ ہم کسی سے مانگیں گے نہیں کچھ ایک وعدہ ہم سے کرو تم اپنے اصحاب کے درمیان کہہ رہے ہیں صوبان نام کا شخص ناقل ہے اس روایت کا صوبان کہتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ مجھ سے کوئی بھی اس مجمع میں ایک وعدہ کر لے کہ اللہ یسأل الناس کہ وہ کسی پبلک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا میں اتکفل له بالجنہ میں اس سے وعدہ کرتا ہوں جنت کا مجھ سے تم وعدہ کر لو آج کہ تم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم کو کل کو جنت ضرور ملے گی قال صوبان انا جب پیغمبر نے پوچھا پبلک سے کہ ہے کوئی اس میں ایسا جو مجھ سے ایک وعدہ کرے میں اس سے جنت کا وعدہ کروں وعدہ کیا ہے کہ اللہ یسأل الناس پبلک کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں فقال صوبان انا صوبان کھڑے ہوئے کہہ لے یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اور روایت کہتی فکان صوبان لا یسأل الناس شیئا پھر چاہے جتنی مصیبت میں پڑے شاید صوبان پھر انہوں نے زندگی میں چونکہ پیغمبر سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو پھر صوبان نے اپنی زندگی میں کسی سے کوئی سوال نہیں کیا یہ بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اگر مانگو گے نہ مانگنے کا جو ہے وہ صلہ کیا ہے پیغمبر نے فرمایا ہم سے وعدہ کرو کہ تم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے ہم جنت کا وعدہ کرتے ہیں اور اگر مانگ لیا اپنی غربت ظاہر کر دی اپنا فقر ظاہر کر دیا اپنی بھوک تم نے ظاہر کر دی تو جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ اکبر ما من عبد فتح على نفسه بابا من المسألہ کوئی بھی بندے خدا ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے لیے سوال کا دروازہ وا کرے سوال کا ایک دروازہ اگر کوئی کھولتا ہے فتح اللہ علیہ سبعین بابا من الفقر اگر اپنے لیے تم سوال کا مانگنے کا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا ایک واقعہ انجام دو گے ایک باب کھولو گے اللہ تمہارے لیے 70 دروازے فقر کے کھول دے گا کس قدر دین یہ چاہتا ہے کہ خبردار خبردار اپنی آبرو کسی کے سامنے مت کرو من سأل غیر اللہ استحق الحرمان اسی مفہوم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جس نے بھی غیر خدا سے مانگا دیکھیے اللہ سے زیادہ روایت کہتی ہے کہ خدا سے زیادہ غیرت دار کوئی نہیں ہے اللہ سے زیادہ غیرت کسی کو نہیں ہے اور اللہ نے کہا ہے اذا سألك عبدی اذا سألك عبادی انی فانی قریب جب میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اپنے بندے کا کی بات پوری کروں گا میں اپنے بندے کا سوال پورا کروں گا اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگو ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور اب ہم پریشان ہو کر کے رات کے فاقے سے پریشان ہو کر کے زید کے پاس چلے گئے اللہ کو یہ بات میں نے کہا تھا نا مجھ سے مانگو تو ہم تو مانگ رہے کہاں ملا کہ یہی تو امتحان کی منزل ہے تھوڑا سا صبر کر دے اگر کوئی شخص غیر خدا سے مانگتا ہے تو روایت کہتی استحق الحرمان تو وہ اللہ کی طرف سے مستحق قرار پاتا ہے محرومیت کا صلوات پر محمد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی مفہوم کی بات فرماتے ہیں طلب الحوائج الی الناس لوگوں کے سامنے اپنی حاجتوں کا طلب کرنا اپنی ضرورتوں کا بیان کرنا مذلت للحیات وہ اس کی زندگی کے لیے حیات کے لیے ذلت کا سبب ہے مذہبت للحیا اس کی حیا ختم ہو جانے کے سبب ہے
واستخفافاً بالوقار اس کی حیثیت اس کا وقار اس کا مرتبہ گھر جانے کی ضرورت کی نوبت ہے وہو الفقر الحاضر اور یہ انسان کو دنیا میں جیسا کہا کہ ایک بار کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے 70 گنا اللہ تم کو فقیر بنا دے گا وہو الفقر الحاضر وقلت طلب الحوائج من الناس اور لوگوں سے کم مطالبہ کرنا ابھی آگئی بات کم مطالبہ کرنا یہ کم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو محفوظ رکھو لوگوں کے سامنے وَقِلَّتُ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ النَّاسِ لوگوں سے کم سوال کرنا هُوَ الْغِنَى الْحَاصِلُ یہ انسان کو غنی بناتا ہے یہ انسان کو بے نیاز بناتا ہے شیعتنا من لا يسأل الناس ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا وَلَوْ مَاتَ جُوعًا چاہے وہ فاتح سے اس دنیا سے رخصت کیوں نہ ہو جائے تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کیا واقعا شیعوں کے لیے یہ بات اتنی زیادہ اہم ہے کہ بھوک سے مر جاؤ مگر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جان کا بچانا واجب ہے آدمی کی جب موت پر آ جائے تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے اور اس طرح کے واقعات ہیں اس طرح کے داستانیں ہیں آدمی جا رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ صاحب وہ کوئی مومنہ ہے سیدانی ہے بیٹھ کر کے جو ہے گھور کے اوپر مردہ مرغ چھیل رہی ہے یہ بندہ خدا جا رہے تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کیا بھائی تب اور کھانے کا شوق ہے تم کو یہ ہے اس میں منتحل عمل پوری داستان ہے نہ کچھ کر چکا ہوں آپ کے درمیان اتنا تم کو شوق ہے جو ہے مرغ کھانے کا تمہیں پتا نہیں مردار حرام ہے جواب کیا تھا اس کا مجھے پتا ہے کہ یہ مردار حرام ہے مجھ کو دین مت بتاؤ مجھ کو دین اچھی طرح معلوم ہے دین میرے گھر سے چلا ہے میں سیدانی ہوں علی و فاطمہ کی بیٹی ہوں میرے بچوں کے فاقے کی نوبت اب یہ ہے کہ اگر میں یہ مردہ مرغ نہیں لے جاؤں گی تو میرے بچے فاقے سے مر جائیں گے آپ نے دیکھا وہ مان سکتی تھی نا مگر مردار کی طرف چلے گی تو آپ کہیں گے صاحب حرام چیز اس منزل پر آ کر کے حلال ہو گئی نا تو کہاں ہے کہ جو ہے وہ لو ماتا جوعان چاہے مر جائے گا اس کا اس روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ واقعاً مر جائے اور کچھ نہ کھائے حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں ایسی صورت میں اس روایت کا مطلب یہ ہے شاید کہ تاکید اتنی ہے کہ جہاں تک ہو سکے جتنا برداشت کر سکو اتنا برداشت کرو لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ اس لیے کہ اگلی روایت جو عرض کر رہا ہوں اس روایت نے کہا کہاں کہاں تم ہاتھ پھیلا سکتے ہو چنانچہ روایت میں ہے یہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ ان المسألة لا تحل سوال کرنا مانگنا کسی سے طلب کرنا جائز نہیں ہے الا فی احدى ثلاث مگر یہ کہ تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو وہاں اگر آدمی مانگنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے نمبر ایک دم مفجع ایک انسان ہے اس نے کسی کو قتل کر دیا اور اب اس کو جو ہے وہ پھانسی کا حکم ہو گیا یا تو یہ تختہ دار پہ جائے گا یا خونبہا عطا کرے خونبہا معمولی چیز نہیں ہے 100 اونٹ کے برابر ہے تو اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے اب اگر وہ کہیں سے مانگ جانچ کر کے خونبہا اکٹھا کر لیتا ہے اور اس کو دے دیتا ہے مقتول کے ورثہ کو تو اس آدمی کی جان بچ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کل کو توبہ کر لے اور اپنے آپ کو بچا لے تو ایسی صورت میں کہ جب خوبہا کہیں دینا ہو کسی کی جان کا مسئلہ ہو تو وہاں کے اوپر آدمی سوال کر سکتا ہے وہاں پر آدمی مانگ سکتا ہے ان المسألة لا تحل الا فی احدى ثلاث دم مفجع او دین او دین مقرح یا یہ کہ اتنا مقروض ہو گیا ہے آدمی کہ جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے اب اگر ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور اس کا قرض ادا نہیں کریں گے تو اس سے زیادہ ذلت ہم کو حاصل ہونے لگے گی تو ایسا اگر کوئی قرض ہے جس سے انسان کی کمر شکستہ ہو رہی ہے تو اب وہاں بچی کی مجبوری ہے ادھر بھی ذلت ہے مانگنے بھی ذلت ہے تو ظاہر میں تو مانگ کر کے کم از کم اس کا حق تو ادا کر دو ایک کسی کا حق تو اپنی گردن پر لے کے نہیں جاؤ گے اور دوسرے او فقرین متقی وہی کہ ایسی فقیری ہو کہ پھر بال بچوں کا گزارا مشکل ہو جائے ایسی صورت اگر ہے تو انسان جو ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے اس حدیث کو رکھیں اور اس حدیث کو رکھیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو بھوکا مر سکتا ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا جب دونوں کو اکٹھا کریں گے تو بیچ کی ایک راہ نکل کے یہ آئے گی کہ جہاں تک برداشت کر سکتا ہے انسان وہاں تک اس کو برداشت کرنا چاہیے صلوات اللہ
मेहनत करने में जो है वो जिल्लत नहीं है, मजदूरी करने में जिल्लत नहीं है। दुनिया में इंसान क्या अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह से ज्यादा इज्जतदार है, मौलाए कायनात से ज्यादा आबरूमंद है, और अपने रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने के लिए यहूदी के बाग में जो है वो काम कर रहे हैं। तो काम करना जिल्लत नहीं है, अहले बैत का कहना है हाथ फैलाना जिल्लत है। चुनांचे रिवायत कहती है पैगंबर फरमाते हैं कि लौ अन्न अहदकुम याखुदु हबलन फयाती बिहुज्मति हतबिन, अगर तुम में कोई शख्स फकीर है खाने पीने के लिए, उसके लिए मुश्किल हो रही है, और जाहिर है खानदानी आदमी है, फर्ज कीजिए वो बेचारा मेहनत करेगा, मजदूरी रक्षा चलाएगा, तो उसकी जिल्लत की बात है। पैगंबर मफहूम है, पैगंबर उस जमाने में रक्षा तो नहीं था, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, रक्षा चला लो इसमें जिल्लत नहीं है, हाथ मत फैलाओ इसमें जिल्लत है, इसमें रुसवाई है। चुनांचे फरमाते हैं लव अन्न अहदकुम, अगर तुम में से कोई शख्स याखुदु हबलन फयाती बिहुज्मति हतबिन अला दहरे, अगर तुम में से कोई शख्स रस्सी ले ले, रस्सी में बांध करके अपनी पीठ पर लकड़ियां लेके आए बाजार में बेचे, फयकुफ बिहा वजहु, और उससे अपनी आबरू बचा ले मांगने के सिलसिले में, खैरुन लहू मिन अन युसअल, कहीं बेहतर है कि आदमी किसी के जाके हाथ जाके फैलाए। नहीं कि कैसे हम अपनी पोस्ट के ऊपर अगर लकड़ी लाद करके जा रहे हैं बाजार में बेचने के लिए, 50 आदमी देखेंगे, 50 आदमी के सामने हमारी तौहीन और जिल्लत होगी कि साहब ये देखिए फला साहब अब इनकी नौबत ये आ गई है कि साहब प्याज बेच रहे हैं, अब ये नौबत इनकी आ गई रक्षा चला रहे हैं, अब ये नौबत इनकी आ गई लकड़ी बेच रहे हैं, और जाकर के खामोशी से किसी के घर आहिस्ता से चाय के साथ, अरे भाई जैद साहब मेहदी अंबा साहब मसला है थोड़ा सा, तो एक ही आदमी के सामने तो जिल्लत हुई। हदीस कहती है वो 50 की तौहीन बेहतर है इस एक की जिल्लत के मुकाबले में। हाथ मत फैलाओ, अपनी कुव्वत बाजू से इस्तेमाल करो। सलावात पर मुहम्मद। अब सवाल यह कि ठीक है मगर बहुत अगर मजबूर हुआ इंसान तो अब उसको इतनी इजाजत है कि जान का बचाना वाजिब है, आप हाथ फैला सकते हैं, लेकिन उसमें भी देखो किसके सामने बात करनी है। हर कसो नाकस के सामने बात मत रखो। एक आदमी जिसके लिए शक है हमको, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, अक्सर हमें यार कह के तो देखो, होता नहीं होता, हमें कह के तो देखो, नहीं देंगे तो क्या जो है प्याला थोड़ी तोड़ देंगे, ये हमारे यहां मुहावरा चला आ रहा है कि भाई मदद नहीं करेंगे तो क्या हमारा कासा थोड़ी तोड़ देंगे। इमाम फरमाते अगर ये है तो मत कहो उससे। चुनांचे इमाम सादिक अलैहि सलाम फरमाते ला तसअल, ला तसअल उसके उससे मत, इजाजत है मान सकते हो अगर इन नौ चीजें सूरत हाल आ गई, लेकिन ला तसअल उससे मत मांगो, मन तखाफो अन यमना, जिस आदमी से तुमको ये खौफ हो ये डर हो कि वो तुमको मना कर सकता है, अगर शक भी है कि मना कर देगा तो उसके मालूम आबरू भी गई और कुछ मिला भी नहीं, लिहाजा उसके सामने हाथ मत फैलाओ। ये तो हो गया एक तरफ का, मैंने कहा ना दोनों का इम्तिहान हो सकता है। हमारी भूख का इम्तिहान हमारे लिए है कि हाथ तो नहीं फैलाता, अपने को बेइज्जत तो नहीं करता, अपने को जलील तो नहीं करता, अपने को रुस्वा तो नहीं करता, मत करो मत जाओ मत हाथ फैलाओ, रक्षा चला लो, लकड़ी बेच लो, कुछ कर लो, मगर किसी के आगे हाथ, हाँ बहुत मजबूर है तो हाथ फैलाओ। अब जो हाथ फैलाया, अब मसला आया आपका, एक आदमी ने आके हाथ फैलाया, अब यह इम्तिहान जो इसकी है, इम्तिहान पूरे समाज का है। भूख एक आदमी की है, इम्तिहान पूरी मिल्लत का है। चुनांचे पैगंबर फरमाते हैं ला तक्तहु अलस्साइल, कभी भी साहिल को अपने पास से वापस मत करो। एक सवाल यह आता है और अक्सर लोग हम लोगों से पूछते हैं कि वाराना सही भी होते हैं इसमें, गलत भी होते हैं इसमें, झूठे भी होते हैं इसमें, सच्चे भी होते हैं। ये सवालात होते हैं, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह इन रिवायात से मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। पैगंबर ने पहले मरहले में फरमाया ला तक्तहु अलस्साइल, देखो साहिल की बात को मत काटो, इसमें यह नहीं है कि वो मुस्तहक है नहीं है, सच्चा है झूठा है। पैगंबर ने फरमाया कि साहिल की बात को काटो मत। या रसूल अल्लाह,
झूठा है। कि यही एक चीज है जिससे तुम बच रहे हो। सलवात मोहम्मद। मसलन जैद के पास जो है वो हम लोग साथ होता रहता, सब जेब कट गए, फला हो गया, बाद में मालूम बिल्कुल सब गलत था। अब उसके बाद दूसरा आदमी आ गया, उसने भी वही कहानी सुनाई, चार दिन पहले चूंकि ये केस हो चुका था, और अब हमको ये हुआ कि यार ये भी उसी तरह का तो नहीं है। नतीजे में जो है वो उसको हमने इनकार कर दिया, मालूम हुआ वो वाकई था। अब क्या करेगा आदमी, सजा का मुस्ताहक है। पैगंबर फरमाते हैं कि सजा के तो बहुत जबरदस्त मुस्ताहक थे तुम, एक साहिल को ठुकरा करके, लेकिन अगर ये साहिल लोग झूठ ना बोलते होते ना तो तुम लोगों का बचना मुश्किल था। अजीब है, क्या फरमाया पैगंबर ने कि फलौ अनल मसाकीन यकذبون ما افلح من ردكم। अगर ये एक जरा सा शुबहा ना होता ना कि ये मसाकीन झूठ भी बोलते हैं, तो तुम्हारे जो है इनकार की बुनियाद पर तुम किसी कीमत पर बचने के काबिल नहीं थे। ये एक जरा सी गुंजाइश है कि या अल्लाह हमको शक था, लेकिन शक था तब भी ऐसा मत करो। अब मैं आपको रिवायत सुनाता हूं। नाम सुना है आपने एक शख्सियत का जिनका नाम क्या था, अबू हमजे सोमाली, बहुत मशहूर है। अबू हमजे सोमाली ने नमाज पढ़ी सुबह की इमाम के साथ, किस इमाम के साथ, ये मेन जो है वो इनका जमाना था, पांचवें इमाम के दौर में भी थे, लेकिन मेन इनका जमाना था इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। अबू हमजे सोमाली, इन्हीं से वो दुआ सहर है जो चौथे इमाम की है, आप रमजान में पढ़ते हैं अबू हमजे सोमाली। अबू हमजे सोमाली कहते हैं बहुत करीब थे इमाम से, सुबह सुबह का वक्त था, ये गए इमाम के घर पहुंच गए नमाज सुबह के वक्त, और नमाज सुबह पढ़ी जमात से इमाम के साथ। और अभी दुआ हम लोग इतना तो है नहीं कि दो रकत नमाज पढ़ी और फिर फौरन सो गए, जो है कि अल्लाह मियां जानते हैं कि साहब हम दो बजे रात को तो लेटे ही थे, यही क्या कम है कि उठ के पढ़ ली दो रकत नमाज फिर सो। लेकिन ये असहाबे इमाम ऐसे नहीं है, इनका तो नमाज के बाद फिर दुआएं चलती हैं, इबादतें चलती हैं। यहां तक कि इतना वक्त हो गया कि लोग निकलने लगे सड़कों पर, इतने में किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर हजरत के दक्कुल बाप किया, दरवाजा खोला गया, मान लो कोई साहिल है। इमाम ने फरमाया कि जो हो घर में दे दो। अबू हमजे सोमाली ने वही जुमला कहा जो हम आप सोचते हैं, मौला कोई जमानत तो नहीं है, हर मांगने वाला मुस्ताहकी हो, हर मांगने वाला जरूरतमंद ही हो। इमाम ने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि हमारे ऊपर वो मुसीबत नाजिल हो जो याकूब पर नाजिल हुई। और अब ये तफसीर अय्याशी पूरी रिवायत मौजूद है ये कि फिर इमाम ने पूरा किस्सा सुनाया, क्यों किस्सा क्या, याकूब पर ये मुसीबत आई क्यों, इसके अंदाजा कीजिए कि किसी साहिल को पलटाना कितना बड़ा जुर्म है। वो मुस्ताहक है मुस्ताहक नहीं, वो है उसका है मसला है, मौला हर आदमी मुस्ताहक तो नहीं होता। इमाम ने फरमाया मगर मैं नहीं चाहता कि इस साहिल को वापस करके हमारे ऊपर वो बला नाजिल हो जाए जो याकूब पर नाजिल हुई। अबू हमजे सोमाली ने कहा मौला याकूब पर बला क्यों नाजिल हुई, कि याकूब के यहां उस दिन दुम्बा जबा हुआ था, खाना पका हुआ था, आज की जबान में कहिए बिरयानी रही हो या जो भी रही हो, बेहतरीन खाना तैयार था, शब जुमा थी, खाना खा लिया इन लोगों ने, एक बंदे मोमिन रोजे से था, उसके पास इफ्तार को नहीं था कुछ, शहर में वो मुसाफिर था या अननोन था वगैरह। वो बेचारा जब कोई सूरत नजर नहीं आई तो आकर के उसने जनाबे याकूब के यहां का तलबा किया और आवाज दी कि अहल अहालिय खाना, अपने बचे हुए खानों में से, तफसीर याशी में लफ्ज बचा हुआ मौजूद, अपने बचे हुए खानों में से मुझे दे दो, मैं जाहिर हूं मैं भूखा हूं। रिवायत कहती है सुना, मगर वही बात के पता नहीं सही, मांगने वाले बहुत आते हैं, उस साहिल की तस्दीक नहीं की। वो बेचारा रोजेदार फाके से जाके सो गया। इमाम फरमाते हैं उसी वही रात थी जिस दिन यूसुफ ने ख्वाब देखा था, या अबद इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वलकमर रअयतुहुम ली साजिदीन। और जिब्रील लाके इत्तला दी कि आपने एक
साहिल का जवाब नहीं दिया है, अब आप मुसीबत के लिए तैयार हो जाए। तो अगर हम किसी साहिल को रद्द करते हैं और हो सकता है कि वो वाकई मुस्ताक हुआ, अगर मुस्ताक नहीं है तब भी हमारा अजर कहीं नहीं जाएगा, इसलिए कि हमने इस खौफ में उसकी मदद की है कि कहीं मुस्ताक हो तो क्या होगा। उन्ज़ुरू इला साहिल, अब कहते हैं कि एक तरीका इमाम ने बताया, अजीब है, कोई 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 तरीका है, कोई हुनर है ऐसा कि जिससे हम अंदाजा कर सकें कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। आप लोगों जहन में है कोई खाका ऐसा कि कैसे आजमाया जा सकता है, कैसे जांचा जा सकता है कि ये आदमी जो आगे कह रहा है कि मेरी बेटी की शादी है और बिल्कुल सर पे मामला है और हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, कैसे अंदाजा करें कि ये सच बोल रहा है कि सच नहीं बोल रहा है। इसलिए कि शादी का मामला है, 5-7 हज़ार पाउंड का खर्चा है, मैं बहुत दूंगा, 1,000 दे दूंगा, तो 1,000 भी कम नहीं है, तो ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ये 1,000 मेरे कहीं जाया तो नहीं जाएंगे। इमाम फरमाते हैं मैं तुमको एक तरीका बताता हूं कि कैसे समझोगे, कैसे आजमाओगे कि जो आने वाला कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। अलबत्ता इसमें कोई गारंटी नहीं कि हर आदमी के अपने ईमान के ऊपर भी है कि वो कितना दर्द कर सकता है। इमाम ने एक नुस्खा दिया, उन्ज़ुरू इला साहिल, मांगने वाले पर एक निगाह डालो, फइन रक्कत लहू कुलूबकुम, बात वही है, फिर ये अपने दिल के ऊपर है। कोई जरूर एक से एक लोग होते हैं कि उनके सामने बड़े से बड़ा वाकया हो जाता है और उनका दिल नहीं बसीजता, लेकिन अगर मोमिन है आदमी तो मोमिन का दिल उस दूसरों के मुकाबले में अलग होता है। इमाम फरमाते हैं अगर तुम जांचना चाहते हो सही कह रहा है नहीं कह रहा है, वाकई जरूरतमंद है नहीं जरूरतमंद है, तो उन्ज़ुरू इला साहिल, साहिल की तरफ एक निगाह डालो, फइन रक्कत लहू कुलूबकुम, साहिल से मतलब नहीं है, उस पर एक निगाह डालो, अगर तुम्हारा दिल उस साहिल के लिए नर्म हो गया कुदरती तौर पर, पसीज गया कुदरती तौर के ऊपर, फादू तो उसको दे दो, क्यों, तुम मोमिन हो, मोमिन का दिल अगर पसीजा है तो इसका मतलब वो सही कह रहा है, फइन्नहु सादिक, वो इंसान सच्चा है। साहब कभी ऐसी मंजिल आती है कि मांगने वाला हाथ तो गया है मांगने के लिए, हम भी तो उसी टाइप के हैं, सलवात और मोहम्मद आलमगा जो है वो लंदन एयरपोर्ट पे उतरे हैं, वजीर साहब भीतरों से निकल रहे, तब तक एक आदमी ने कहा अरे मौलाना कैसा मिजाज है, बड़ा अच्छा हुआ आप मिल गए, क्या हुआ, कल हम भी वो आ रहे थे, हमारा वो मामला वो टैक्सी करना है, 10 पाउंड दे दीजिए। वजीर साहब की जेब में खुद ही 10 पाउंड है, वो बेचारे वही 20 पाउंड लेके चले थे, 10 पाउंड जो है मस्तक ने खा पी गए, 10 पाउंड बचा हुआ है, अब क्या करें, तो हमारी भी तो औकात वैसे ही है। इमाम फरमाते हैं ठीक है ना, 10 है ना, 1 दे दो, 2 दे दो, 5 दे दो, मना मत करो, वापस मत करो, अजब है, ला तरुद्दु साहिल। इमाम फरमाते हैं मौला अमीर मोमिनीन का फिक्र आया, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला तरुद्दु साहिल, साहिल को वापस मत करो, वलो मिन शतर हब्बत इनबिन, चाहे एक दाना अंगूर का क्यों ना हो। हम बैठे हैं खा रहे हैं, वो आ गया जनाब हमको जो है 50 पाउंड की जरूरत है, अब नहीं है, कम अज कम एक दाना अंगूर सही, उसके सवाल को खाली मत करो, ला तरुद्दु साहिल, साहिल को वापस मत करो, वलो मिन शतर हब्बत इनबिन, चाहे एक दाना अंगूर का क्यों ना हो, और शिक्त तमरत, चाहे एक खजूर क्यों ना हो, मगर साहिल को वापस मत करो। कुछ लोग होते हैं जिनको गैरत आती है, बेचारे ने यार पहली मर्तबा तो मुझसे कहा, आज जबान खोली, क्या बताया जाए, वो हमारे पास जो है कुल 20 पाउंड थे, शर्म आ रही थी देते हुए, दे तो देता है, वो भी सोचा यार इनका नाम इतना जो है वो नाम बड़ा है, दर्शन छोटा, बताओ साहब इनसे हमने ये कहा ये 10 पाउंड दे रहे हैं, देना चाह रहे थे, उसे मालूम था वो आदमी परेशान है, उसको पता था कि वो आदमी जरूरतमंद है, मैंने बहुत चाहा कि दे दूं, लेकिन गैरत नहीं आई कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, साहब नाम इतना बड़ा इनका, इतने बड़े जो है वो डॉक्टर साहब है, इतने बड़े आयतुल्ला है साहब, और बताइए साहब 10 पाउंड दे रहे हैं, मैंने नहीं दिया। इमाम फरमाते हैं मौला शर्मा मत, ला तस्तह मिन इताइल कली, कम है दे दो कम, उससे फइन्नल हिरमान, काहे को शर्मा रहे हो तुम, कम है इसलिए शर्मा रहे हो ना, और ना देना
तो उससे भी कम हुआ भाई। अगर 10 पाउंड देते तो शर्म आ रही थी, 10 पाउंड देते हुए कम है, और ना देना तो अकल लो में, वो तो उससे भी कम है। लिहाजा कम की बुनियाद पर कभी शर्माओ मत, जितना हो सके उतना दो। ला तस्तहमिन इता अल-क़लील, कम अता करने में गैरत मत खाओ। फ़इन्नल हिरमान अकल्लु मिन, इसलिए कि न देना तो उससे भी ज्यादा कम है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब यहां दोनों को इकट्ठा कर दिया, मांगने वाले खबरदार, पैसे वाले खबरदार, तुम हाथ मत फैलाना, तुम वापस मत करना। ये इस हदीस में दोनों को एक साथ जिक्र कर दिया। इमाम फरमाते हैं, लौ यअलम अस्साइल मा फिल मसअला, अगर मांगने वाले को पता चल जाता ना कि मांगने में कबाहत क्या है, हाथ फैलाने में जिल्लत कितनी है, तो मा सअला अहदुन अहदन, फिर कोई किसी से कुछ न मांगता। वलौ यअलम अल मसऊल मा फिल मना, और जिससे मांगा जा रहा है अगर उसको पता हो जाता ना कि मना करने में कितना बड़ा नुकसान है दुनिया और आखिरत का, तो मा मना अहदुन अहदन, तो फिर कोई किसी को दुनिया में मना न करता। अब वो आखिरी बात दलील के तौर पे कह दूं कि चाहे मुस्तहक हो और चाहे मुस्तहक न हो, हमको मना नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इसके लिए रिवायत मौजूद है। अक्सर सवाल ये लोग कर लेते हैं कि मौलाना इस तरह से लोग धोखा देते हैं, ये करते हैं। ठीक है, धोखा देते हैं, वो धोखा उनके लिए बवाल होगा, इसलिए कि पीछे रिवायत क्या सुना चुके हैं आपकी खिदमत में कि हाथ अबूजर से हाथ मत फैलाओ, इसलिए कि हाथ फैलाने में दुनिया में जिल्लत आखिरत में सवाल, तो उससे तो सवाल होगा जिसने हाथ फैलाया है बगैर इस्तेहकाक के, जिसने जो है वो हाथ फैलाया है वो बच नहीं सकता है, तो वो तो फंसेगा, तुम क्यों अपने को फंसाते हो। लिहाजा यहां फरमाते हैं इमाम बाकरी अलैहिस्सलाम, इन्ना लनुअती गैरल मुस्तहक। एक बात, अच्छा हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मुस्तहक है कि नहीं है, लेकिन जिस इमाम ने ये हमको मशवरा दिया है कि अगर तुम इस्तेहकाक जानना चाहते हो तो उस पर एक निगाह डालो, अगर दिल तुम्हारा नरम हो जाए तो इसका मतलब वो मुस्ताहक है, वो सादिक है। तो हम अगर उतने मोमिन नहीं है कि इस नुस्खे को आजमा सके, तो अहले बैत के पास ये नुस्खा है ना कामिल तौर पर, निगाह डाल के अंदाजा कर लेंगे ना कि वाकई मुस्ताहक है कि नहीं है। तो जो मुस्ताहक नहीं है वो तो समझते हैं कि मुस्ताहक नहीं है, उसके बावजूद ये हमको हुक्म नहीं दे रहे बल्कि अपने लिए कह रहे हैं कि इन्ना लनुअती गैरल मुस्ताहक, हम लोग, और जमा का सेगा है, जमा का सेगा मतलब सिर्फ अपने बारे में नहीं, इमाम ने फरमाया यानी हमारा कुनबा, हमारा खानदान, हम अहले बैत, इन्ना लनुअती, हम लोग अदा करते हैं गैरल मुस्ताहक, गैरे मुस्ताहक को हदरन मिन रद्दिल मुस्ताहक, सिर्फ इस बात से बचने के लिए कि कहीं कोई दरमियान में मुस्ताहक न छूट जाए। तो ये हमको एक तरीके से ये समझाया गया है कि ठीक है तुमको शक है झूठ बोल रहा होगा, मगर उसको दे दो, नियत अल अमालो बिन नियत, अमल का ताल्लुक नियत से है, तुमने उसको मजबूर समझ के दिया है, और उस अल्लाह का वादा कैसा जबरदस्त है, मन जाआ, तुम एक दोगे ना अल्लाह तबारक व तआला एक के बदले में 10 अता करेगा, मन जाआ बिल हसनते फलहु अशर अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा अल्लाह बदले में उसको क्या देगा 10 गुना अता करेगा। और अगर हम मुलाहिजा करें ना हमारे उलमा की दास्तान, हमारे उस्ताद थे उनका किस्सा है, खुदा गरीब का रहमत करे रहमतुल्लाह अलैह रिजवानुल्लाह तआला अलैह, आपने भी नाम सुना होगा हजरत आयतुल्लाह मिश्कीनी रहमतुल्लाह अलैह, आय मिश्कीनी का नाम सुना है, आय मिश्कीनी की तारीख तालिबे इल्मी लोगों की बड़ी कसरत कुर्सी की गुजरी। आप यकीन कीजिए कि हम लोग इतने मजे में है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख करम है, लाख एहसान है, इन बुजुर्गों ने जो मशक्कतें उठाई हैं, इन उलमा ने जो मुसीबतें उठाई है ना, इनकी जेब में 5 तूमान था, आज तो 5 तूमान कोई औकात नहीं, लेकिन उस वक्त 5 तूमान की हैसियत थी, तब तक किसी ने जो है वो आकर के आय मिश्कीनी का वाकई खुद इन्होंने अपना वाक्य नकल किया। अरे किसी ने कहा कि अरे भाई यार मिश्कीनी तुम्हारे पास कुछ हो रहा तो परेशानी है, कल 5 मेरे पास था, तो मैंने कहा कि ये आदमी हो सकता हमसे ज्यादा जरूरतमंद हो, चलो इसका काम चल जाता अल्लाह मालिक है। कल लगे वो मैंने 5 दे दिया, हरम मासूमा की बात है बाहर निकल, वो 5 मैंने उसको दे दिया,
हरम के बाहर निकला हूं तब तक मेरा कोई जानने वाला आया और उसने कहा कि क्या है तुम कहां तुम ढूंढ रहे हो तुम्हारा पैसा लिए हम घूम रहे हैं। वो 50 दिरहम उसने मुझको दे दिया। मैंने फौरन आयत पढ़ी, पालने वाले मन जाए बिल हसन थे फलह अशर अमसाल, बिल्कुल जीती जागती तस्वीर। मरहूम आयतुल्लाह रहमान मरअशी नजफी रहमतुल्लाह, किसी के आगे हाथ न फैलाए आदमी ना, खुदा कैसा करता। और वो भी अगर मोमिन है तो ऐसा नहीं है कि अहले बैत की नजर से पोशीदा है। मरहूम आयतुल्लाह रहमान मरअशी नजफी रहमतुल्लाह अलैह की जिनका किताब खाना आज दुनिया के बड़े किताब खानों में, पता कैसे इस आदमी ने किताब खाना मुअय्यन फरमाया। हमारे तनवीर भाई तो उस जमाने में रहे होंगे, उन्होंने बाकायदा उनकी जियारत की होगी, इनसे पूछिए। इजारे की नमाज, आप अपने बाप की नमाज पढ़वाना चाहते हैं, गए साहब ये 50 रुपए लीजिए हमारे बाप की नमाज पढ़ दीजिएगा। हाँ मरशी लेते थे नमाज पढ़ते थे, उस 50 रुपए किताब लेते थे। रास्ते में जा रहे हैं, कोई खत्ती नुस्खा कोई बढ़िया किताब मिल गई है, नहीं है पैसा, अबा उतारी उसको बेच दिया, किताब खरीद कर ले आए। इस हालत में जिस आदमी का ये हाल हो, लेकिन अल्लाह कहता है हमारी बारगाह में हम कैसा करते हैं, बेटी की शादी आ गई, ये इनके मरने के बाद इनके हालात में किताब छपी कदसात, उसमें ये दास्तान है। जिस आदमी का ये हाल हो कि चार आना अगर आया है साहब इजारे की नमाज से भी, तो बजाय घर का सामान आने के लिए किताब आएगी, उस आदमी को बेटी की शादी के लिए कुछ होगा। लेकिन चाहे आलिम हो, चाहे आयतुल्लाह हो, चाहे आयतुल्लाहुल उज़्मा हो, जाहिर सी बात है कि ये मसाइल तो सबके साथ है। दावत तो करनी है, वलीमा तो करना है, शादी तो करनी है, और वो भी जाहिर है कि औरतों से कौन जीत सका है। कि नहीं साहब उनकी बेटी को ये मिला, हमारे खानदान को उनकी बेटी को ये मिला है, तो हमारी बेटी को क्या क्यों नहीं। तो चाहे आयतुल्लाह बेचारा, औरतों को तो उसको भी झेलना है। जब बहुत ज्यादा परेशान हुए, ये दास्तान सुन लीजिए और आज वक्त कुछ ज्यादा होने जा रहा है, बस जल्दी से खत्म करता हूं। जब बहुत ज्यादा परेशान हुए, दबाव बना के सब ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, और अपनी औकात नहीं है, बात क्या है, हाथ फैलाना। एक जबान मरजह तकलीद है, वो आदमी एक जबान किसी से कह दे कि साहब मेरी बेटी की शादी है भाई इंतजाम करना है, आदमी दौड़ के खुद इंतजाम करेगा, मगर किसी से नहीं कहा। शिया किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो लोमा का जुआ है, लेकिन अहले बैत के आगे थोड़ी, आले मोहम्मद से कहने में तो कोई आर नहीं है, अहले बैत से कहने में तो कोई जिल्लत नहीं है, हम उन्हीं के तो नौकर हैं, उन्हीं का तो खाते हैं, उन्हीं के सदके में तो सारी कायनात है, तो उनसे कह रहे हैं कौन सी जिल्लत है। जब बहुत परेशान हुए, वजू किया, आए हरमे मासूमा में, आने के बाद जियारत पड़ी, जरी पकड़ी और कहने लगे के बीबी मैं आपके शहर में मेहमान हूं। सब नजफ से सारे उलमा जब बेचारे निकले थे, भी आ गए, मैं आपके शहर में मेहमान हूं और आप तवज्जो नहीं कर रही हैं। आदमी परेशान होता है, कुछ तो कुछ निकलता ही है मुंह से। वापस आ गए, शिकवा करके सो गए। ख्वाब में देखा खुद हजरत मासूम है कुम सलामुल्लाह अलैहा को, और आगे मरशी नजफी की अजमत आपको मैं सुना दूं। ये कहते हैं कि मैंने ख्वाब में जनाबे मासूम है कुम को देखा, हू बहू जनाबे फातिमा की तस्वीर। फिर वो कहते हैं कि कैसे मैं कह सकता हूं कि हू बहू फातिमा की तस्वीर, इसलिए कि इसके पहले मैं ख्वाब में फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की जियारत कर चुका हूं। कैसे कर चुका हूं, इज हुआ जद्दति फिन नसब, इसलिए कि हमारी जद्दा है, हम महरम हम सैयद है, औलाद फातिमा में है, हु फातिमा की तस्वीर। ख्वाब में आई और आगे फरमाने लगी, शहाब शहाबुद्दीन नाम था इनका, शहाब हमने कब तुम्हारी तरफ से बेतवज्जोही की है, जिस दिन से तुम कम आए हो उस दिन से मुस्तकिल तुम हमारी निगाह में हो, कब हमने तुम्हारे साथ बेतवज्जो की। कल मैं हड़बड़ा के ख्वाब से उठा और मुझको अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर मैंने वजू किया, हरम गया, जाके ज़ियारत पड़ी और ज़री पे हाथ रख के मैंने माजरत की कि बीबी परेशान था, मेरे मुंह से जुमला निकल गया। वहां से निकल के आए, हम लोग गए होंगे जो कुम उन्होंने देखा होगा, जैसे निकल के आए, अब मेन गेट से निकलना चाहते हैं, एक आदमी आ गए महर्षि रुकिए, आ गया, क्या बात है, कल हम आपको बड़ी देर से ढूंढ रहे थे, ये हदिया रख लीजिए। पैसा नहीं था, पर्स था, पर्स ही कहते ना यहां, पर्स था, लेके आ गए। घर पहुंचे, अपने घर वालों से कहा भाई जो सामान लाना हो बताओ। अब वो लोग लिस्ट दे रहे हैं, ये पर्स खोलते हैं, उसमें हाथ डालते हैं पैसा निकालते हैं देते हैं, हाथ डालते हैं पैसा निकालते हैं देते हैं।
जब आकर के उनकी अहलिया ने कहा कि सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए, अब जो पर्स देखते उसमें कुछ नहीं है। अहले बैत है जिसके पास, इसीलिए तो इमाम ने फरमाया है कि हमारा शिया भूखा मर जाएगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैला, इसलिए उसके पास अली मौजूद है, उसके पास अहले बैत मौजूद है, उसके पास इमाम आसर जैसी शख्सियत मौजूद है, उसको दूसरे के पास जाने की जरूरत क्या है। परवरदिगारा, ये वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ये तालीमात जो अहले बैत ने हमारी आबरू की खातिर, हमारी इज्जत की खातिर जो अहले बैत ने हमको सिखाया है, अहले बैत जो हमको समझाना चाहते हैं, परवरदिगारा हमको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिस अहले बैत को इतना ख्याल था हमारी आबरू का, हमारी इज्जत का, लेकिन उस अहले बैत के साथ क्या किया गया, अल्लाहु अकबर। चंद जुमले मसाइब के मेरे अजीज और खत्म तो कल हुसैन की उस 4 साल बच्ची की मसाइब पढ़ेगा, ऐसी अजियत, ऐसी तकलीफ। कहते हैं कि जब शहादत हो गई ना इस 4 साल बच्ची की, अल्लाहु अकबर, जब रसाला आए गुस्ल देने के लिए, कहती ये बच्ची किस मरज में मुब्तला होकर मरी है, क्यों का, इसलिए कि इसका लिबास इसके जिस्म से चिपक गया। कैसे चिपका लिबास, क्यों चिपका लिबास, बात वही है कि जब ऊंट पर बिठला दी गई, ऊंट को रस्सियों से बांध दिया गया, ऊंट जब चलता है तो पुश्त आगे होती है पीछे होती है, तो पहले तो कपड़ा मुतासिर हुआ, उसके बाद खाल छिलना शुरू हुई। नहीं कि सिर्फ ये रोती थी ना, तमाचे खाती थी। दुनिया में ऐसे नहीं कि जहां जिसका बाप शहीद हो गया हो, 4 साल की बच्ची उसको बाप पर रोने ना दिया जाए और इतना मारा जाए कि जिस्म पर नींद पड़ जाए, जिस्म स्याह हो जाए। खुदा दुआ कीजिए, अल्लाह इस बीबी के रोजे की हिफाजत करे, इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो, इंशाअल्लाह हम सब जाए जियारत के लिए इस यतीमा की। बहुत चाहता था मेरा मौला इनको, सीने पे सोती थी, अल्लाह अकबर। कहते हैं कदीम जमाने में एक कोई शख्सियत थी जिनका नाम था सैयद हाशिम, तो इसी में मजलिस था। सैयद हाशिम के 3 बेटियां हैं। एक दिन एक बेटी आके सैयद हाशिम से कहती है कि मैंने इमाम की इस यतीमा को ख्वाब में देखा है, वो फरमाती है कि अपने बाप से कहो, जो लोग गए हैं ज़ियारत पर उनको मुमकिन रहनुमा ने यह वाकया बताया, अपने बाप से कहो मेरी कब्र की तामीर करवा दे, पानी आ रहा है। ख्वाब की कोई हैसियत नहीं है, हाशिम ने कोई तवज्जो नहीं की। दूसरे दिन दूसरी बेटी ने यही ख्वाब देखा, तीसरे दिन तीसरी बेटी ने यही ख्वाब देखा। सैयद हाशिम कहते हैं कि चौथा दिन जब आया तो मैंने देखा, 4 साल की, 3 साल की या 5 साल की है तो कम से, मगर बड़े वकार के साथ, बड़े एहतिशाम के साथ चली आ रही। मेरे पास आने कहा, सैयद हाशिम 3 दिन से मैं तुम्हारी बेटियों से पैगाम दे रही हूँ, तुम नहीं सुनते हो। अब सैयद हाशिम कहते हैं जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो उस जमाने का हाकिम था, उसका नाम था सुल्तान अब्दुल हमीद, मैंने जाके उससे बयान किया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा कि देखिए मैं किसी ख्वाब की बुनियाद के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी की कब्र खुदवाने का मैं हुक्म नहीं दे सकता, मैं इजाजत दे सकता हूं, हाँ अगर इन उलमा की हिम्मत पड़ती है तो मुझको कोई एतराज नहीं है, मगर मैं हुक्म नहीं दूंगा। आपस में मशवरा हुआ और तय हुआ कि 4-4 दिन लगातार ये ख्वाब मामूली नहीं है, ये ख्वाब उमूमी नहीं है, कब्र खोदी गई, भले वाकई कब्र में कहीं से पानी रिस रहा है, यह हुआ कि लाश निकाल ली जाए, मरम्मत शुरू हुई। सैयद हाशिम चूंकि सैयद थे इसलिए तय यह हुआ कि लाश इनके हाथ पे रहेगी, पहले मुस्तकिल लाश में हाथ में लिए रहा, पानी की जगह गुलाब का इस्तेमाल हुआ। जब कब्र मुकम्मल हो गई तो किसी ने मशवरा दिया कि अब जब मौके से ये मौका हासिल हाथ आ गया है तो क्यों ना ऐसा करें कि एक कफन हम लोग भी दे दें। दूसरा कफन आया, कफन तैयार हुआ। सैयद हाशिम कहते चूंकि मैं सैयद था महरम था इसलिए लाश लेकर के
سید ہاشم قبر میں اترے, جیسے ہی لاش رکھی چیختے ہوئے باہر آئے. لوگوں نے کہا کیا ہوا تھا, جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ دیکھ لیا. کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں جیسے ہی ہاتھ اٹھا رہا تھا ذرا سا کفن ہٹ گیا, دیکھا ابھی بھی جسم کے اوپر نیل کے نشانات ہیں, دروں کے نشانات ہیں. سب سے زیادہ اگر اپنے وطن کو یاد کرتی تھی تو یہی بی بی یاد کرتی تھی. آپ ذرا سوچئے کہ جب یہ زندان میں دفن ہو گئے اور قافلہ چلنے لگا ہوگا مدینے سے, تو بیویوں کو سب سے زیادہ قلق کس بات کا ہوا ہوگا, سب سے زیادہ اذیت کس بات کی, کس طریقے سے آ کر کے یہ سیدانیاں اس یتیمہ کی قبر سے لپٹ لپٹ کے روئی ہوں گی. روایت کہتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ شام سے چلنے لگا, آگے آگے کارواں ہے, پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں جو قافلے کو رخصت کرنے کے لیے آئی ہیں. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ منزل ہوئے یہ قافلہ آگے بڑھ جائے, شام کی عورتیں واپس ہو جائیں. بی بی زینب نے اپنی سواری روکی, محمل کا پردہ ہٹایا, شام کی عورتوں کی طرف ایک نگاہ ڈالی, فرمایا اے شام کی بیویوں, ایک زمانے تک ہم تمہارے درمیان رہے, اب ہم جا رہے ہیں مگر تم سے کچھ نہیں مانتے, بس ایک خواہش ہے. کیا؟ ہم جب آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 سال کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہا جاتا تھا, ہم جا رہے ہیں اپنی بچی کو تمہارے درمیان چھوڑے جاتے ہیں, بس اتنی درخواست ہے ہماری یتیمہ کو اکیلا نہ چھوڑ دینا, ہماری یتیمہ کو تنہا نہ چھوڑ دینا, کبھی کبھی آ کر کے اس کی قبر پر ایک شمع روشن کر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. انا لله وانا اليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما, جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ ہے, مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہماری اولاد کو, ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے, انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. یا اللہ ایام اربعین قریب, لوگ دنیا کے کونے کونے سے پروردگارا تیرے حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں. کل بھی حادثہ ہوا, کل بھی کوئی زائر مارے گئے, پروردگارا جو ان حادثوں میں شہید ہو رہے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, یا اللہ مزید زوار حسین کی حفاظت فرما. ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت, آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ